और सलाम है चैम्बर ऑफ कॉमर्स को और आपकी जो किसान बिरादरी है जिन्होंने अपनी जेब से पैसे अदा किए और पाकिस्तानी पुलिस और फौज को तनख्वाहें दी गई और अपना सिस्टम चलाया गया। आज आप जिस पोजीशन के अंदर हैं देखकर हैरत होती है। आप अपने मुल्क के अंदर तो आपके पास वसाइल थे ही थे, आपने हतब वन ए अब्दाली वन बनाया, ये 250 किलोमीटर तक रेंज यानी कि आपके बॉर्डर से आप 250 किलोमीटर तक बाहर निकलाए, दुश्मन आपके बॉर्डर से 250 किलोमीटर दूर हो, आप इसको हिट करने की पोजीशन में आ गए। उसके बाद गजनवी बनाया आपने, 300 किलोमीटर तक आपकी रेंज बढ़ गई। उसके बाद आप आगे बढ़े, आपने शाहीन वन और गौरी बनाया और 1800 किलोमीटर सेंट्रल एशिया तक आपकी अप्रोच हो गई। और ये वो इलाका है जहां पर अमेरिकन और ब्रिटिश जो फ्लीट्स खड़े हुए हैं, बैरी बेड़े खड़े हुए हैं, वो इस इलाके में खड़े हैं, ये इलाका आपकी रेंज के अंदर आ गया। और ये याद रखें कि जहाज के ऊपर मिसाइल लगता है तो जहाज की आग नहीं बुझाई जाती बल्कि डूबते हुए को बाहर निकाला जाता है, उसके नीचे कोई सुतून नहीं होता, सुराख हो गया नीचे गया। जो अलकायदा वालों ने एक किश्ती मारी थी यूएस डिस्ट्रॉय पूल के अंदर, क्या हुआ था यमन के साहिल पर, वो जहाज पानी के अंदर डूब गया था, नीचे की तरफ गया था और ये समुद्र के अंदर खड़े हुए बहुत कमजोर हालत के अंदर है। अल्लाह ने आपको मजीद तौफीक दी, आप आगे बढ़े, आपने शाहीन टू और गौरी थ्री बनाया, 3500 किलोमीटर आपकी रेंज, जॉर्जिया तक आपके मिसाइलों की रेंज हो गई, अल्लाह ताला ने आपको परेशान किया। उसके बाद आप आगे बढ़े और आगे बढ़कर आपने शाहीन थ्री बनाया, 4500 किलोमीटर रेंज, आप यूरोप तक पहुंच चुके थे, यूरोप के बहुत से मुल्क आपकी रेंज के अंदर आ गए, रशिया 40% आपकी रेंज के अंदर था, मंगोलिया चाइना और ये अफ्रीका के बहुत से ममालिक आपकी रेंज के अंदर आए। अल्लाह ने आपको मजीद तौफीक दी, आप आगे बढ़े और आगे बढ़ के आपने फिर 2010 के अंदर टीपू वन और टीपू टू 7500 किलोमीटर रेंज का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो कि एटॉमिक और कन्वेंशनल हथियारों को ले जाने की सलाहियत रखता है। और यूरोप का कोई शहर कोई गली ऐसी नहीं है जो कि आपके एटमी और रिवायती हथियारों की जद से बाहर हो। अल्लाह ने आपके ऊपर एहसान किया, इस जमीन के 2,74,00,000 मुरबा किलोमीटर के इलाके को आपके सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल मिसाइलों की रेंज के अंदर कर दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको मजीद तौफीक दी। आपने इस दुनिया में एटम बम के बाद सबसे खौफनाक हथियार आपदोज में जो एटॉमिक आपदोज है उसकी रेंज ज्यादा है, लेकिन एटॉमिक आपदोज को सोनार डिटेक्ट कर लेता है कि कहां पर मौजूद है, लेकिन डीजल आपदोज क्विक डीजल आपदोज कहलाती है जिसको सोनार डिटेक्ट नहीं कर सकता। और दुनिया की सबसे बड़ी डीजल से चलने वाली आपदोज आप अपने कराची के साहिल पर बैठकर बना रहे हैं। यह आपदोज 3 महीने पानी के नीचे रह सकती है, 10,000 किलोमीटर सफर कर सकती है, 6 एटॉमिक मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखती है। और ये जो मिसाइल बाबर मिसाइल क्रूज मिसाइल आप बना रहे हैं समुद्र के नीचे से फायर किया जाने वाला, ये मिसाइल पूरी दुनिया को पड़ता है हैरत में डाले हुए कि ये जब पानी से निकलता है पहली बात है इसकी आपदोज को कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता, और आपदोज के पहुंचने के बाद ये जब निकलता है फगा में एक बुलंदी पर पहुंचकर इसका बूस्टर इससे अलहदा हो जाता है, इसके विंग्स खुल जाते हैं, ये नीचे पानी की तरफ गिरता है, 100 फुट की बुलंदी पर आ जाता है और कोई भी लॉन्ग रेंज रिडार इसको डिटेक्ट करने की सलाहियत नहीं रखता। और ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के तहत चलता हुआ ये आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर अपने टारगेट को ट्रैक करता है, अपने टारगेट की तस्वीर इसे दी गई होती है और उस टारगेट के ऊपर हिट करता है। पहाड़ आते हैं ऊपर उठ जाता है, पहाड़ खत्म होते हैं नीचे उतर आता है, अगर टारगेट पहाड़ के दूसरी तरफ है तो घूमकर आकर अपने टारगेट के ऊपर गिरने की सलाहियत रखता है। और ये अल्लाह का एहसान है आपके ऊपर। और मैं आपको बता दूं कि जो जदीद दौर की जंगें हैं उसमें आपदोज इंतहाई खतरनाक पोजीशन की हामिल चीज है, जो एटमी जंगों का डिटर्नेंट है आपदोज। मुझे चूम कर
हक है मेरे लाल, चल झूम कर मुसलमान है। जब नमाज़े जिहादे वतन हो तू मिले सबको पहली कफों में खड़ा। जब जमीन वतन कर रही हो पेश करना मेरे लाल और कहना वतन तू हमेशा जिए। मैंने जन्मा है तुझे वतन के दिए, मैंने जन्मा है तुझे वतन के दिए। दीवारी गई प्यार पर कौन सजता रहा तेरे रुखसार पर। मुझसे पहले भी थे जो निभाते रहे, जान लुटाते रहे सर कटाते रहे। मैंने सीखी है तेरे तालियां, मैंने की है वतन तेरी रखवालियां। माँ को मैंने शहादत के तोहफे दिए, उसने जन्मा है मुझको वतन के लिए, उसने जन्मा है मुझको वतन के लिए। मुझको फिर याद आता है मेरे वतन, मेरे वतन। मैंने जिस रोज पहना तेरा पैर गम, तेरा पैर गम। मेरी माँ ने कहा था मुझे चूम कर, गाहे हक है मेरे लाल चल दिलो जा से जला कर बाबा के दिए।